हाँ तो फोन अगर लाए तो फोन में देख सकता। मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ सारी क्लासेस, ग्रुप में ये लोग क्लास में होंगे तब ना, कोई जरूरी नहीं ना नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं ना नहीं। दे रहा है सर, थोड़ा देर लाइट का इंतजार कर लेते हैं, उस पर ही हम लोग कर देंगे। एडमिशन का बता दीजिए कहाँ गए थे यहाँ से। देखिए नाम आना ही जो है ना एडमिशन के लिए गारंटी नहीं है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसका लिस्ट मैं लगा दूंगा यहाँ पे, वेबसाइट पे भी रहेगा वो, अगर प्रूवर डॉक्यूमेंट होगा तभी एडमिशन होगा। उसके बाद आपको फोन कॉल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा, एडमिशन फॉर्म भरिएगा, सिर्फ 25 रुपया एडमिशन फी है, उसके बाद 3 महीने का फी है आपका 1600 रुपया। हाँ सर, 1600 रुपया फी जमा करेंगे, चालान जनरेट करके दे देंगे, तब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। रियान सर बता दीजिए इनको एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, एक बार बता दीजिए, मैंने तो बता दिया। एडमिशन भी लॉटरी कर अभी साढ़े 11 बजे लाइट चली गई है, इस पर कर देते लाइव, ठीक है। तो अभी ये कर सकते हैं कि हम यूट्यूब पर लिंक शेयर कर दे रहे हैं, हम यहाँ लैपटॉप पर चला देंगे, आप यूट्यूब पर लाइव देख लीजिए, हमारे पास कोई भी बच्चे का फॉर्म नहीं आया है, देन हम मूव करेंगे कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में आते हैं वो लोग जो ट्रांसलेबल जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे हो गया है, ठीक है, और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उन सब के जो हमारे रेलवे बेसिकली यूनिट है, इस वजह से कैटेगरी 1 का पहले होगा, ठीक है। उसमें जितने बच्चे होंगे लॉटरी वाइज उनको लगा दिया जाएगा, ऑनलाइन लॉटरी भी जैसे क्लिक करके लाइन से लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट बन जाएगी जितने बच्चे होंगे, उसके बाद
देन हम जाएंगे कैटेगरी टू पे, ठीक है। कैटेगरी टू में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि जैसे बैंक्स हो गए, LIC हो गया, ठीक है, इन्हें PSUs कहते हैं, उनकी लॉटरी होगी। देन थ्री पे जाएंगे, देन SC कैटेगरी होगा, देन ST कैटेगरी होगा, देन OBC होगा, EWS जनरल, ये सब इसके बाद हम आएंगे कैटेगरी फाइव पे। मोस्टली पेरेंट हमारे कैटेगरी फाइव के होंगे, प्राइवेट बिजनेस है या कहीं और। ST कैटेगरी के ऊपर पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो SC में फॉर्म भरा है? SC में पांच थे पेरेंट्स। SC कैटेगरी वाले कोई पेरेंट, शेड्यूल कास्ट वाले कोई? पांच पेरेंट, पांच बच्चों को एप्लीकेशन आया है SC में। SC की फाइव सीट है, फाइव मेरे पास। तो SC में जिन लोगों ने भरा है उनका कंफर्म है एडमिशन, क्योंकि पांच सीट है और पांच लोगों ने भरा है। और SC में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आया है और ST में सीट मात्र दो है, तो ST में प्रॉब्लम है शेड्यूल ट्राइब वाले, ठीक है ना। और RT में भी प्रॉब्लम है, कॉमन फॉर्म आया है और 8 सीट है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देंगे, एक बार डेमो दिखा। तो अभी हम डेमो स्टार्ट कर देते हैं, एक बार डेमो देख लीजिए, ये डेमो है, ठीक है, ताकि आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर देख लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है। देन हम मेन करेंगे कंडक्ट, तो जो भी आपके डाउट हो वो आप डेमो की डेमो लॉटरी में आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लिक कीजिए सर, लॉटरी डेमो को हटा दीजिए सर, लॉटरी सर हाँ डेमो देख लीजिएगा। देखिए लॉटरी डेमो है, ठीक है, इसको डेमो डेमो का मतलब एक आपको करके दिखा, नमूना दिखाया था। देखिए ये डेमो है, ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे सीरियल नंबर आ रहे हैं, यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, उधर सब कंडक्ट लॉट कैंडिडेट है आईटी में।
इसमें से एक का सिलेक्शन होगा, बाकी सब जाएंगे वेटिंग लिस्ट। ये जो 51 है उसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन होगा और बाकी सब वेटिंग लिस्ट रहेगा। कोई भी एक गार्जियन बोलिए जो आरटीपीसी में खड़ा है। क्या नाम है बच्चे का? क्या प्रतीक का नाम दिखा दीजिए। ठीक है, जब क्लिक करिए सर्च कर लीजिए और ऊपर लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो कितने बच्चों का नाम होगा? 8। ठीक है ना। चलिए सर, डेमो हो गया और फाइनल में आइए सर। कंडक्टर में आया, देखिए अब लॉटरी होने जा रहा है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे 8 बच्चों का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। अब सर कंडक्ट करके जाए, देखिए 8 बच्चों का नाम आ गया। नहीं इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए ये कंडक्ट आर्टिंग लॉटरी, अब हम इसमें क्लिक करने जा रहे हैं। हमारे ऑपरेटर क्लिक कीजिए सर। देखिए अब यहाँ वार्निंग दे रहा है कि सब आपको पता है, डेमो आपको दिखा दिया गया है। अब फाइनल लिस्ट निकल जाएगा 8 बच्चों का जिसमें नाम रहेगा। ओके कीजिए सर। देखिए 8 बच्चों का नाम आ गया। देखिए पहला डिसीजन के लिए है। प्रदीप माथो, सुदर्शन, निशा कुमारी, रमन कुमार प्रधान, सुमा लखनी, बस इधर में सब वेटिंग में आएंगे। बात कर इसको डाउनलोड कर लीजिए सर। हाँ डाउनलोड करना है इधर मेरा सब इसको कर डाउनलोड। भैया आदि का लॉटरी हो गया फाइनल, 8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आपके सामने हो गया। ठीक है मतलब जो कि दिव्यांग जन है, जो पीटर मुंडी वाला है, कोई नहीं है किसी कैटेगरी में हमारे में। चलो अब आ जाए सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी में कैटेगरी वन आ रहा है ना सर। कैटेगरी वन में कितने हैं सर? 18 है कैटेगरी वन। मतलब जो कि यहाँ रेलवे के लोग हैं, कोई कैटेगरी वन वाला है? क्या बच्चे के नाम है? जानवी। जानवी का नाम दिखाइए। ये तीसरे नंबर पे आपका अभी। लेकिन ये क्या है? लिस्ट है, अभी नाम नहीं आया। अभी हम लॉटरी करेंगे सर। लॉटरी देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सारे बच्चों का नाम है। कितने बच्चे हैं हमारे पास? 18 कैटेगरी वन। अब उसमें किसका सिलेक्शन होगा? ओके कितने पहले भी आपका सर्विस कैटेगरी 2।
स्कूल में कोई नहीं है, सर्च कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं है, बैंक का एल आई सी सबका कोई नहीं, अब आइए एस सी का, एस सी का ऑप्शन ये तो पांचों बच्चों का नाम रहेगा इसमें, पांचों बच्चे हैं, पांचों का सिलेक्शन जानवी सिंह, ईशान मेरा, गोपाल कृष्ण बचवा, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है एक्सपोर्ट कर दीजिए इसको ड्राफ्ट कर दीजिए, ठीक है डाउनलोड एससी के लिए डाउनलोड, एससी तक हो गया जी, एससी पे एससी में ज्यादा प्रॉब्लम है, एससी में बहुत सारे कैंडिडेट और सीट हमारे पास कितना है, दो, कितने कैंडिडेट हैं, 20 दो सीटें हमारे पास, दो सीट है, इसमें से दो का सिलेक्शन होगा, इसमें ये लॉटरी लॉटरी होने जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि आपने देख लिया है, सिर्फ ये वेटिंग, हाँ वेटिंग दिखा रहा है ना, कौन सा पहले रेलवे वाला चला गया, देखिए एक्चुअली क्या था, जब कैटेगरी वन का हो रहा था उसमें एसटी वाले दो का सिलेक्शन हो गया, इसमें जितने हैं जो ओनली एसटी हैं वो क्या हो गया, वेटिंग में सारे चले गए, एक बच्चे ने भर दिया था ओबीसी सीएल, वो जनरल में काउंट हो जाएगा, अब ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले का आ रहा है, ओबीसी में हमारे 9 सीट है, कितने बच्चों ने भरा है, 26 ने भरा, देखिए कंडक्टर और क्या आया, कितने लोग वेटिंग में, मतलब उधर ही चलेगा सर, कैटेगरी 1 में जो है हमारे पास 32 सीट है टोटल, उस 32 में से 5 बच्चा चाहिए, अगर वो कैटेगरी 1 से फुलफिल होगा तो बाकी बच्चे जाएंगे वेटिंग लिस्ट में, इस तरह वेटिंग में जा रहे हैं, मतलब हमारा कौन कौन सा हो गया सर, सर ये सब कैटेगरी 1 है, ठीक है इसमें कौन सा है सर कैटेगरी, फॉर्म गलत है तो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आगे दूसरे को मौका मिलेगा, कैटेगरी 5 का सबसे ज्यादा है 48, कोई कैटेगरी 5 वाला नाम मेरा कीजिएगा, कैटेगरी 5 क्या नाम चेक करवा दे रहे हैं, क्या चीज, गांधी देवगन, गांधी देवगन,
Thank you.
तो सबको धन्यवाद, ये 32 बच्चों का था, हमारे पास 32 ही सीट है। आने वाले समय में नया बिल्डिंग भी बन रहा है स्कूल का, तो एक सेक्शन और मैं खुलवाने का कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ दो सेक्शन का बिल्डिंग बन रहा है, तो आने वाले समय में एक और सेक्शन बनेगा तो 64 सीट हो जाए। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 सीट ही ले सकते हैं, हम लोग भी नौकरी में है, जो सीट प्रेस्क्राइब्ड है वही ले सकते हैं, और उसका लॉटरी हमने कंडक्ट करा दिया और उसका लिस्ट हम लोग पब्लिश कर। ठीक है, धन्यवाद। जिनका हो गया है वो उसके हिसाब से प्राइमरी में हर 30 बच्चे पे एक स्टूडेंट एक टीचर होना चाहिए, तो उस रेशियो कम करते हैं और इसे 32 करते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो हमें तो फॉलो करना है। शाम का लिस्ट आ जाएगी आपके वेबसाइट पे, शर्मा पुष्टि का सर्च करेंगे, और ये जो पूरा है ये लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे, कुछ देर में डाल दिया है, एंड बाकी जो प्रोसेस होगा उसके लिए हम कॉल कर देंगे जितने पेरेंट्स का हुआ है। ठीक है, बाकी नोटिस लगा देंगे बाद में, यहाँ पे ठीक है। थैंक यू।